नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुमरा के अमर चाल में, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे पूरा जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो है करीब सालों से यहाँ से जो है कचरा नहीं उठाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ हालाँकि यहाँ पर कचरों में जो है आग लगाई जाती है कि ताकि कचरा जो है जलकर खत्म हो, लेकिन आग लगने की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी धुआं होता है। धुएं की वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ कैमरा मैन से चाहूँगा दिखाना, जो धुआं निकलता है वो धुआं जो है यहाँ के बिल्डिंगों में जाता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इस धुएं की वजह से जो है काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको यहाँ पर। और कचरा जो यहाँ पर है, हालांकि अब मुमरा का जो कचरा है ये प्राइवेट कर दिया गया है, जो एक क्रिस्टल कंपनी है वो जो है कचरा उठाने का जिम्मा यहाँ पर उसके हाथ में है, लेकिन वो जो है ये यहाँ से कचरा अभी तक नहीं उठाया है। हालांकि ये कचरा जो है बहुत दिनों से है, करीब एक साल से जो है बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग है उनका कहना है कि करीब एक साल से जो है यहाँ से कचरे को नहीं उठाया गया है। आइए यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कचरा जो है कितने दिनों से नहीं उठाया गया यहाँ पर। काफी साल हो गए, काफी साल हुआ है। हाँ। काफी तो साल ये आग जो यहाँ कचरे में जो आग लगी है, तो ये आग कौन लगाता है, कचरा जलाने का काम कौन करता है? पता नहीं, वो कौन भी जला देते हैं जैसा कचरा दिख के, कोई भी लगा देता है। इसमें जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं से आप लोगों को तकलीफ होती है ना भाई? तकलीफ क्यों नहीं होती है, होती है। आप लोगों ने इस कचरे को लेकर किसी जो है किसी से इसकी शिकायत की है? कोई सुनेगा तो करेंगे, नहीं सुनेगा, आप कहेंगे तो सुनेंगे ना। किससे बोले? हम लोग यहाँ पे, यहाँ के जो है राजू है, जो हमारे नगर सेवक है, उन लोगों को भी बताए थे। वो लोग देख कर जाते, कुछ करते ही नहीं, बस सिर्फ हाँ हाँ बोलते झाड़ू को करे, मगर ये कचरे का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शिवसेना जिला सहकार ठाणे के अध्यक्ष प्रदीप झंगर साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज वो जो यहाँ पर आए हुए हैं लोगों की परेशानी सुनकर, सर आपको यहाँ पर क्या इनकी शिकायत आप तक पहुँची थी? स्थानीय लोग आके मिले हमें, इधर हमारा कौसा, उधर हमारी ऑफिस है कौसा में, ऑफिस में आके काफ़ी लोग मिले, ये यहाँ की तकलीफें बोले, बहुत दिन से तकलीफ यहाँ की दूर नहीं कर रहे कोई, तो आप आओ, हमको यहाँ राजकारण नहीं करना है, हमको समाजकारण करना है, लोगों की तकलीफ दूर करना है हमें। और उसके लिए हम लोग प्रशासन को साथ में लेके वो दो तीन दिन में ये पूरा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन यहाँ के नागरिक लोग ने भी ये सोचना है कि फिर होके उधर कचरा नहीं आना मिलता है, वो वहाँ से ढंग से यहाँ पेटी लगेगी या गाड़ी आएगी, वो घंटा गाड़ी में कचरा डाल देने का, तो सही तरीके से हो जाएगा। ये दो तीन दिन में इंशाल्लाह हम लोग ये कचरा साफ कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं उन महिलाओं का कहना है कि करीब एक साल हो गया यहाँ से कचरा उठाया नहीं गया है, तो हमारे तो ये सबसे बड़ी लापरवाही किसकी? लापरवाही अभी लापरवाही इसमें प्रशासन आ गया, अभी आपको मालूम है इधर राजकारण हमको तो लाना ही नहीं है, किसी के बारे में हमको कुछ बोलना नहीं। यहाँ जो तकलीफ आ गई है हमारे पास आ गए, और हमारे पास जो आते हैं उनके देखो धुआं से इतनी तकलीफ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास जो भी आता है उनका समाधान होता है। बस यही कहना चाहता हूँ, लोगों का समाधान करना है हमको, क्या वोट बैंक की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमको लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। सर आप बताइए, आप जो यहाँ कचरा है इतना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कचरा है ये गंभीर मुद्दा है, इसे काफ़ी सालों से जो हल्के में लिया जा रहा है, चाहे वो नगर सेवक हो या कोई भी हो, काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की मगर उसका कोई समाधान नहीं निकला। जब हमारे पास इसकी कंप्लेंट आई तो फिर हमने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए, हमारे सम्माननीय श्री प्रदीप जंगम साहब जो शिवसेना सहकार विभाग के ठाणे जिला अध्यक्ष है, वो आए सभी लोगों को लेकर। अब उनका भी ऐसा कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों को लेकर के 2 से 3 दिनों में सारा कचरा हटा दिया जाएगा, और एक इंशाल्लाह एक व्यवस्था की जाएगी। आप देखो वहाँ बाईपास है, वहाँ से गाड़ी आने का रास्ता है, हम कोशिश करेंगे ऐसा कि वहाँ पर कचरे का डंपर लगाया जाएगा, और वहाँ से कचरा जो भी है थोड़ा लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, और कचरा वहाँ पर जो है खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि मासूम वगैरह बच्चे भी है। सुनने में आया कि एक इंतकाल भी हो चुका है, किसी की जान से बढ़ के नहीं है। शिवसेना अपना काम करेगी, काम पे विश्वास करती है, बैनरबाजी में विश्वास नहीं करती है, और साहब के नेतृत्व के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द ये 2 से 3 दिनों में कचरा हट जाएगा और सारी आवाम को आराम मिलेगा, ऐसे हम लोग काम। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक चौल है, और यहाँ पर जो धुआं निकलता है वो पूरी इमारत और यहाँ जो चाल में भी आता है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे कहते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है आपको धुएं की वजह से? बहुत ज़्यादा हो रही है सर, और बच्चे खेलते हैं तो बच्चों को भी मुश्किल होती है, जब आग लगाते हैं यहाँ पर तो बच्चे भी जलते। एक लड़की इस रूम में रहती थी, वो जल के मर गई बेचारी।
किस वजह से जली वो? क्या कचरा जो फेंकते, कचरा फेंकने की वजह से आग लगाते, आग में खेलते खेलते गिर गई वो और जल गई, और हमेशा धुआं लगा रहता है और कचरा पूरा दरवाजे पे आ जाता है। जी बिल्कुल, ये एक बेहद खतरनाक चीज़ है कि जो यहाँ पर आग लगाई जाती है कचरे में, उसके जरिए जो है एक मासूम बच्ची जो है जलकर उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही बड़ा गंभीर मसला है, इसको शासन प्रशासन को चाहे जल्द से जल्द यहाँ से कचरा जो है हटाना चाहिए। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।